सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जा रही है लता मंगेशकर जी की, जिसमें वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई है और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे न्यूज वाले, लगभग हर न्यूज वाले और हर प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लता जी की आखिरी वीडियो हर कोई देखना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को शेयर किया जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जी व्हीलचेयर पर बैठी हुई हैं, बहुत ही लाचार बेबस नजर आ रही हैं, काफी बीमार हैं, उनके शरीर में वो दम नजर नहीं आ रहा है। कोई पूछता है उनसे कि दीदी आप कैसा महसूस करिए, कैसा लग रहा है आपको, वो कुछ कहती नहीं और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेती हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सिर्फ कुछ व्यूज, कुछ पैसे और कुछ लाइक्स के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि इस तरह की वीडियो शेयर करने से पहले सोच समझ सकते हैं कि वो हस्ती थी और इस तरह की वीडियो, उनके अंतिम दर्शन हर कोई करना चाहता था। लेकिन ये जो वीडियो थी इसमें वो लाचार बेबस असहाय नजर आ रही हैं। इस तरह की वीडियो शेयर करना उनके गौरव को अपमानित करने जैसा है, ये बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए था। जिन जिन लोगों ने किया है ये वाकई बहुत बुरा काम किया है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखा, कई ऐसे चैनल है जो सुशांत की भी बातें करते हैं, लेकिन उन चैनल्स ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और बेहद शर्मनाक काम किया। किसी की मौत पर सेल्फी लेना, तस्वीरें निकाल देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, इस तरह की चीजें, ये समझदारी का काम बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा मैं अपनी वीडियोस में कभी भी कोई तस्वीर या वीडियो शेयर नहीं करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपीराइट की चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई महानता का काम नहीं है, एक इंसानियत का काम होता है। यही चीज आप महसूस करके देखिए कि अगर आपके परिवार में किसी के साथ ऐसी घटना हो और कोई उस वीडियो को शेयर कर दे। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों को मैंने देखा है जो इस तरह की वीडियो को, तस्वीरों को शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर, साथ में कई लोगों को टैग कर देते हैं। मतलब क्या दिखाना चाहते हो आप? एक इंसान इस दुनिया से चला गया, उसका परिवार उस दुख में है, उस परिवार के दुख, दर्द, पीड़ा को आप सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हो, उसके दुख को आप बाजारीकरण कर रहे हो, उसके दुख का पैसे कमा रहे हो, ये बिल्कुल भी सही काम नहीं है।